अब जो खूंखार होता है ना, वैसे ही बहुत ही सुंदर लग रहा है। गणपति जी छोटे से और क्यूट से गणपति जी हैं, ऐसे पे फूल होता है ना, दसमत का फूल, जसवंत का फूल, उसके ऊपर वो विराजमान है। तो ये काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है मेरे को। तो ये जो गौ माता है उनके साथ बैठे हुए, तो काफी वाले गणेश जी भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल अर्चूज ब्लॉसम। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिलहाल मैं आई हूँ माना। माना में ये है पूजा मूर्ति कला केंद्र, जो कि माना में है, वहाँ मैं आई हूँ। अभी गणेश पक्ष को काफ़ी ज़्यादा टाइम है, पर फिर भी मूर्तियाँ जो है बनना स्टार्ट तो हो गई हैं, क्योंकि एकदम एंड टाइम में तो बनाया नहीं जाएगा, तो काफ़ी दिन पहले से शुरुआत हो जाती है। तो चलिए मैं एक एक करके ना आप लोगों को यहाँ की मूर्तियाँ दिखाती हूँ, किस टाइप की हैं, कैसा डिज़ाइन है। और यहाँ पर आप लोग, मैं आप लोगों को नंबर भी मेंशन कर दूंगी, तो यदि आप लोगों को यहाँ की मूर्तियों का ऑर्डर देना होगा तो आप लोग बिल्कुल आके यहाँ की मूर्तियों का ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये है पूजा मूर्ति कला केंद्र, नंबर भी दिख रहा होगा 9098658430। माना मेन रोड में है ये, और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा गोडाउन टाइप ऑफ बना हुआ है। तो मूर्तियां मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाने वाली हूँ। अभी यहाँ थोड़ी सी छोटी छोटी साइज की मूर्तियां इस लाइन में, और थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज की मूर्तियां इस लाइन में। तो ये जैसा राधा कृष्ण जी होता है उसी टाइप में यहाँ पर गणेश जी का कुछ उसी टाइप का रूप दिया गया है, और ऐसा पीछे में पेड़ का डिजाइन दिया गया है, और यहाँ पर भी ऐसा पीछे में कुछ कुछ ऐसा डिजाइन बना हुआ है। और ये अपने गणेश जी हैं, और ये देख सकते हो आप लोग जो सांप का जो डिजाइन दिया गया ना, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब सांप जो खूंखार होता है ना, वैसे ही बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सिंपल से गणेश जी, और पीछे का डिजाइन बचा हुआ है, तो वो पीछे वाला भी डिजाइन बनेगा ना तो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये है गणेश जी, तो ये देख सकते हैं ये इस तरीके से सा डिजाइन बना गया है। वो अभी इनकम्प्लीट है, देखो फिर भी अभी गीला लग रहा है, कुछ कुछ शायद इसमें अभी काम हुआ है। तो इस पे भी ऐसा डिजाइन बनेगा जब मिट्टी से, तो काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। और ये भी थोड़ा पीछे इसका डिजाइन थोड़ा सा यूनिक है, तो ये भी अभी आधा इनका, मेरे को लग रहा है कि अभी भैया सिर को ही दे रहे हैं, सभी सिर को रूप दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग, जितने भी अपन गणेश जी देखते जा रहे हैं ना, सबके सिर में ही अभी काम हुआ है, मुख में काम हुआ है अभी। और ये ऐसा डांस करते हुए खूबसूरत से गणपति जी, फोटो ले लेती हूँ मैं। ये भी हैं, ये हैं शेर पे सवार हैं अपने प्यारे से गणपति जी, और पीछे बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हो यहाँ पर भी है। और ये बहुत ही छोटे से और क्यूट से गणपति जी हैं, ऐसे पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं। ये भी है इधर पे, ये गणपति जी हाथी पे सवार है, छोटे से हाथी पे सवार हैं ये। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है, अच्छा ये मूषक है, ओके ये मूषक है, ये भी बांसुरी वाले ही गणेश जी है। यहाँ लेके आ गए हैं शायद, उसका गोल गोल बना के उसको करेंगे। तो यहाँ पर ये एक सीमेंट वाली भी मूर्ति रखी हुई है दुर्गा माता जी की, और इधर भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये है पूजा मूर्ति कला केंद्र, तो यहाँ से शुरू करते हैं आप लोग। ये देख सकते हो आप लोग कि गणेश जी या कोई भी मूर्ति का जो फेस होता है, उसको पहले नॉर्मल मिट्टी से किया जाता है, फिर एक उनके लिए अलग सा मिट्टी बनाया जाता है, जिसमें रुई वाली मिट्टी जो होती है ना, रुई मिक्स करके लगाया जाता है, उससे चिकना वाला फेस के लिए बनाया जाता है। ये देख सकते हो आप लोग, ये शायद आधा बनने के बाद पता नहीं क्या हुआ है। तो ये अभी छोटे छोटे अपने गणपति जी थोड़े थोड़े रेडी हो चुके हैं,
ये आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर पीछे में इनके नागदेव जी विराजमान हैं, और ये इसको ऐसा फिक्स किया गया है ताकि जो हाथ है ना वो ऐसा गिरे ना, स्टेबल ऐसा फिक्स रहे इसलिए। और ये वाला गणेश जी आप लोग देख सकते हो, ये जो अपना फूल होता है ना, दसमत का फूल, जसमंत का फूल, उसके ऊपर वो विराजमान है। तो ये काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है मेरे को, इसका मैं अभी फोटो ले चलते जाते हैं अभी अपन। ये वाला भी काफी ज्यादा सुंदर और यूनिक सा लग रहा है। इनका जो सूंड है थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, शायद कुछ अलग डिजाइन होने वाला है। और ये वाला भी देख सकते हो, ये मोर के ऊपर सवार हैं गणपति जी। यहाँ पर ऐसा मोर ही है, यहाँ पर काफी ज्यादा यूनिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है इसलिए थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, क्योंकि अभी टाइम भी काफी ज्यादा बचा हुआ है। और ये देख सकते हो, ये जो गौ माता है उनके साथ बैठे हुए हैं, तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है ये भी। ये देख सकते हो आप लोग, अंकल अभी काम कर रहे हैं इस पे। ये वाले गणेश जी भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो आधा अधूरा सा है अभी भी, फेस जो है अंकल उस साइड बना रहे हैं, तो उस साइड से होते हुए इस साइड आएंगे। इधर भी काफी सारी मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं और फिनिशिंग अभी बाकी है, और सबका फेस बाकी है, हाथ बाकी हुए है, बट फिर भी आधी चीजें तो हो ही चुकी है। इनका साचा नहीं होता क्या अंकल? आप बिना साचा के कर रहे हो ना?